मित्रों नमस्कार, पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंटीग्रल हेल्थ यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य में। मित्रों आज का हमारा विषय रहेगा ध्यान का विज्ञान, साइंस ऑफ मेडिटेशन। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा अनिवार्य है, उसी प्रकार मानसिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान अनिवार्य है। सबसे पहले तो हम ध्यान शब्द को समझते हैं। सुबह से शाम तक प्रत्येक व्यक्ति जाने अनजाने में दो चार बार इस शब्द का प्रयोग कर लेता है, मगर वह इसकी गरिमा से वंचित है। ध्यान रखना, ध्यान करना, ध्यान देना इत्यादि, मगर गहरे में वो क्या कहना चाह रहा है और सुनने वाला इससे क्या समझता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की चेतना अंदर विचारों में उलझे हुए ही देख रही है, सुन रही है, बोल रही है और कार्य भी कर रही है, और यहीं पर धोखा हो जाता है। इसीलिए इस शब्द सावधान, विजिलेंट या अवधान या फिर ध्यान शब्द की मनुष्यों ने जरूरत महसूस की। अधिक जागरूक होकर यानी कि जो कार्य कर रहे हो उसके अतिरिक्त विचार अन्यत्र नहीं जावे, अन्यथा अभीष्ट कार्य में लगी आधी अधूरी चेतना से परिणाम भी अन्यथा ही प्राप्त होंगे। आए दिन होने वाली दुर्घटनाएं, भूलें, असफलताएं हमारे इसी अधूरे ध्यान का परिणाम है, यानी कि बिना अतिरिक्त विचारों के देखती, बोलती, सुनती, समझती और कार्य करती हुई चेतना का नाम ही ध्यान है। जब चेतना कहीं उलझी हुई नहीं है और उपरोक्त क्रियाएं कर रही हैं, तब व्यक्ति का ध्यान केंद्रित होता है। जब अंतःकरण, जिसे अंतःकरण चतुष्ट भी कहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार तरह के टूल्स से मनुष्य अंदर से बाहर अपने कार्य को अंजाम देता है। जब अंतःकरण संघर्ष शून्य या निर्विकल्प या विचार रहित होकर कार्य करता है, तो यह सहज समाधि है। कबीर ने भी इसी सहज समाधि की बात कही है। वह भी कह रहे हैं कि साधो सहज समाधि भली। आध्यात्मिक उन्नति के लिए फिर किसी अतिरिक्त परिश्रम की जरूरत नहीं है। आपका प्रत्येक संसारी का व्यवहार ही साधना स्वरूप हो जाता है। कबीरा, मन निर्मल भया जो गंगा नीर, पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। साधारण सी प्रतीत होने वाली इस बात ध्यान को साधने और समझने में अनंत जन्म लग जाते हैं। आइए समझते हैं। भगवान बुद्ध ने भी इसे साधने के लिए अष्टांग मार्ग का रास्ता सुझाया था। सम्यक श्रवण, राइट लिसनिंग, सम्यक आचरण, राइट कंडक्ट, सम्यक वाणी, इसी सम्यक्त्व को, राइचुअसनेस को साधते साधते किसी क्षण, किसी घड़ी ध्यान सज जाता है, सतोरी लग जाती है, समाधि के विभिन्न रूप प्रकट होने लगते हैं। सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात और भी अन्य कोई भी नाम या रूप आप दे सकते हैं। जो चेतना संसार में व्यवहार साध रही है, वही जब यू टर्न लेती है और बाहर की बजाय अंदर ही विचारों की जंग में विजय प्राप्त करती है, तो उस अंतर यात्रा का नाम ध्यान हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग द्वारा
बाहर से संयमित करते हुए धीरे धीरे भीतर की यात्रा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के रूपों में इसे मानवता को समर्पित किया है। आज चारों तरफ ध्यान सिखाया जा रहा है, योगा क्लासेज, जिम्नाजियम में, शिविरों में, इंटरनेट पर, गूगल पर इत्यादि, मगर ध्यान क्या है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया जाता है। बिना जाने जीवन भर के प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। आसन मारे क्या हुआ जो मरी न मन की आस, कोल्हू के बैल को जो घर ही कोस पचास। ध्यान एक योग है, योग मीन्स जोड़ प्लस, मनुष्य चेतना का परमात्म चेतना से, मगर यह तो ध्यान की पराकाष्ठा है, प्राथमिकता नहीं। ध्यान एक विशेष विधि है और प्रत्येक मनुष्य के लिए एक विशेष तरह का ध्यान होता है। ध्यान एक विशेष विधि से किया जावे जो कि प्रत्येक मनुष्य के लिए पृथक यानी कि टेलर मेड के रूप में है। जैसे मेरा कपड़ा मेरे लिए ही सिला गया है, फिर भी जिस तरह बाजार में रेडीमेड उपलब्ध हैं उनसे शुरुआत करके आपको अपनी स्थिति और परिस्थिति समझ में आ जाएगी। जैसे औषधचर्या होती है मेडिकेशन, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन है। जैसे बीमार से स्वस्थ, स्वयं की स्थिति पर लौटना, स्वयं के स्वरूप की ओर लौटना, यह स्वास्थ्य कहलाता है। और ध्यान हमारे स्वभाव पर वापस लौटना है, क्योंकि यात्रा में भटककर हम बहुत दूर अन्यत्र कहीं निकल गए हैं। जिस प्रकार पूर्व में भी बताया, अंतःकरण की शुद्धि यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की शुद्धि, जिसमें अहंकार का करीब करीब लोप हो जाता है, नाश हो जाता है या उसकी नियोजित हत्या की जाती है। गीता के हिसाब से भी चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है और कर्म सुकौशलम भी योग है, कार्य में आपके कुशलता आ जाएगी। ध्यान में जो शारीरिक व मानसिक विश्राम मिलता है वह हमें नींद में भी कभी नहीं मिलता है। इसलिए अनेक बीमारियों के इलाज में दवाओं से ज़्यादा ध्यान प्रभावी रहता है, क्योंकि दवा का कार्य क्षेत्र सीमित होता है, परंतु ध्यान सारे शरीर पर ही नहीं, मनुष्य के तीनों शरीरों पर, स्थूल, सूक्ष्म व कारण यानी कि ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी व जो कॉजल बॉडी, इन तीनों को संतुलित करता है। पांचों ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, स्वाद यानी जीभ व त्वचा, स्पर्श इंद्री, त्वक भी बोलते हैं, पांच कर्मेंद्रियां भी, हाथ, पैर, वाणी, मलमूत्र त्याग का व रिप्रोडक्शन, वह इन सब को संयमित व नियमित करता है ध्यान। पहले अंतःकरण की शुद्धि करेगा और फिर इसे संयमित और नियमित करेगा। ध्यान के द्वारा मन के घोड़े पर लगाम लगेगी और वह पुनः समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण करेगा, ताकि हम स्थिर होकर बैठ सकें। मनुष्य के अलावा प्रकृति में हम देखते हैं कि सभी तरफ संतुलन दिखाई देता है। स्थावर, जंगम व अन्य सभी प्राणी ध्यानस्थ हैं, उन्हें किसी बाह्य ध्यान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके पास मन जैसा अंतःकरण नहीं है, जो कि मनुष्य के लिए एक अभिशाप भी है और वरदान भी। दोनों की भूमिका मन निभाता है। आकाश में पंछी दो पंखों के संतुलन से निर्भय होकर उड़ रहे हैं। प्रकृति में सभी जगह
द्वैत की साम्य नजर आती है, द्वैत की साम्य अवस्था, जैसे रात दिन, अंधेरा उजाला, हल्का भारी, ऊंचा नीचा, इसी प्रकार इस ब्रह्मांड निकाय में स्वतः एक ज्योमेट्रिक ज्योमितिक जो फोर्स है उसकी एक कसावट है, उसका एक साम्य है। अन्यथा पृथ्वी से भी करोड़ों गुना ये जो पिंड हमें आकाश में, आकाश गंगा में दिखाई दे रहे हैं, सब ध्वस्त हो जाते। मनुष्य ही अपने केंद्र से विस्थापित है, इसलिए उसकी पुनर्स्थापना के लिए उसे ध्यान की आवश्यकता है। संसार में आपको जहां भी संघर्ष के बिना सफलता व शांति की मधुरता सुगंध दिखाई दे रही है, वहां गहराई से देखने पर, गौर करने पर ध्यान का साम्य जरूर दिखाई देगा। अर्जुन व दुर्योधन के रण कौशल में अर्जुन को बेहतर बनाने के लिए और ध्यान की पुनर्स्थापना हेतु ही भगवान श्री कृष्णचंद्र ने युद्ध भूमि में गीता की अभिव्यक्ति दी और वहां अर्जुन ने बेहतर भूमिका इसीलिए निभा सका। इसलिए मित्रों, ध्यान से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। जो एक तरफ अधिक झुक गया है उसे खींच कर लाने व पुनः मध्य में स्थापित करने का नाम ही ध्यान है। प्रत्यंचा सभी खींच सकते हैं, मगर निशाने को देखकर अंदर का संतुलन बिंदु स्थिर रह सके, ऐसी विलक्षण प्रतिभा धनुर्विद्या का नाम ही ध्यान है। अर्जुन को चिड़िया नहीं मात्र चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। तुलाधर वैश्य ने किसी साधना का सहारा नहीं लिया, बिना किसी साधना के सहारे के, बिना बाहर से कुछ अभ्यास किए, तुला साधते साधते दुकान पर बैठे बैठे ही अंदर कुछ साध लिया, परमात्म तत्व को जान लिया, द्वैत मिट गया, सब सद गया, मात्र अद्वैत रह गया, अर्थात दो नहीं, यही संतुलन है। आज के मनुष्य ने अगर अपने विकास में वैदिक व सनातन धर्म की आधारशिला पर उसे परिभाषित व क्रियान्वित किया होता तो अद्वैत की साम्य अवस्था में आज का जो विश्व स्वरूप एक तरफ झुकी हुई मीनार की भांति, जो कि कभी भी धूल धूसरित व ध्वस्त हो सकती है, कि मौजूदा स्थिति में नहीं होता। सिद्धांत बिना जाने क्रिया दुर्घटना बन जाती है, वह क्रिया के अभाव में सिद्धांत धरे रह जाते हैं। हमें ध्यान का सिद्धांत समझना है, वह उसे क्रियान्वित करना है। जो बिना ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिना क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिना मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अज्ञानी मूढ़न में मुखिया। मित्रों, हमें स्वस्थ सुखी जीवन व आध्यात्मिक प्रगति हेतु ध्यान का सहारा लेना होगा। आगे के वीडियोज में हम ध्यान की अन्य प्रकृतियों, उसकी वैज्ञानिकता, फिर ध्यान की अनेक विधियों और इस तरह ध्यान पर एक लंबी चर्चा होगी। आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार मित्रों, ओम शांति शांति शांति।